नहीं नहीं ठीक है हेलो तो शुक्रिया राजकमल, धन्यवाद आप लोगों का, आभार कि आप सब आए हैं। और ये बड़ी बात है कि हम सब के बीच भारत रत्न प्रोफेसर अमर्त्य सेन मौजूद हैं। मैं भी आपका स्वागत करना चाहूँगा और उनके ही साथ मेरा बस चलता तो एक और भारत रत्न जिन्हें नहीं दिया गया लेकिन वो मेरे लिए भारत रत्न ही हैं, प्रोफेसर जॉन रे। तो आप हमारे लिए लोक रत्न और भारत रत्न भी हैं। इस देश को आप पायान वैनसांग की तरह घूम घूम कर समझ रहे हैं और हमें ही बता रहे हैं कि हमारा देश किन चुनौतियों से गुजर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। 2014 में तो जिस तरह से इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाया गया तो मुझे लगा कि आने वाला टाइम हिस्ट्री का होगा, इकोनॉमिक्स का नहीं होगा और हिस्टोरियन वो होगा जो कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा। लेकिन शायद कुछ ऐसी स्थितियां बदल रही होंगी ज़मीन पर जिन्हें मैं देख रहा हूँ। उसका परिणाम ये है कि हम अर्थशास्त्रियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हम वाकई इतिहास की समझ के हिसाब से गरीब हो गए थे। क्लासरूम में हिस्टोरियन नहीं थे, किताबें नहीं थी, लाइब्रेरी नहीं थी और यूनिवर्सिटी का हाल तो आप जानते हैं, वो ना गुजरात में थी ना हमारे बिहार में थी, तो कहीं भी नहीं थी। तो ये था कि भूख थी लोगों में हिस्ट्री की, वो कहीं मिटी नहीं थी, उन्होंने सारी भूख पद्मावत जैसी हिस्टोरिकल फिल्म पर निकाली। 3-4 महीने डिस्कस किया इंडिया ने कि सारा हिस्ट्री का जितना भी तड़प निकालो इसमें। तो ये फैंटास्टिक टाइम है ये। और तब से मुझे लग रहा था कि अब जो नोटबंदी के समय जब इन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कि ये हार्वर्ड वाले हैं, हार्ड वर्क नहीं करते, तभी मुझे लगा कि वहाँ से निकला हुआ एक स्टूडेंट आने वाले दिनों में गौ रक्षक और हत्या के आरोपियों को अपने घर में गेंदे की माला पहनाएगा और लड्डू खिलाएगा। और मुझे ये नहीं लगा था कि उसका नाम जयंत सिन्हा होगा। सो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल मस्ट बी प्राउड ऑफ जसवंत जयंत सिन्हा, सॉरी जयंत सिन्हा। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो इस इकोनॉमिक वाले जिसमें हिस्ट्री वाली जो टाइम है तो इसमें हमारे साथ दो दो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया, क्योंकि पूरी कंट्री हिस्ट्री डिबेट कर रही है तो लेजर के लिए दो फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए, एक ब्लॉग लिखने के लिए, एक ट्वीट करने के लिए। ये दो फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर और एक पार्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं जो रात को 8 बजे आते हैं डिमोनेटाइजेशन अनाउंस करते हैं। तो ये सब कॉन्ट्रडिक्शन मैंने पहले इसलिए बता दी कि ये जॉन और प्रोफेसर सेन की किताब में नहीं थी। पर मैं भारत के उन अंतर विरोधों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबा नकवी हमारे साथ हैं तो वो अंग्रेजी के हिस्से की जिम्मेदारी निभा देंगी और मैं भी दो सवाल अनुवाद करा के लाया अपनी पत्नी से प्रोफेसर सेन से पूछने के। पर पहला सवाल मुझे चौधरे से है कि हम जिन लोगों से बात करते हैं उसमें अगर मैं मुद्दों को पहचानूं तो मुझे लगता है कि पेंशन से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। अगर मैं कह दूं कि आपको पेंशन चाहिए तो कहेंगे हाँ मुझे वही वाला तो चाहिए जो एमपी और एमएलए को 3 जगह से मिलता है। तो एंड यू नो कि एमपी इफ यू बिकम एन एमएलए यू गेट अ पेंशन, इफ यू अगेन बिकम एन एमएलसी यू अगेन गेट अ पेंशन, इफ यू बिकम एन एमपी यू अगेन गेट अ पेंशन, तो यू कैन गेट 3 टाइम्स। तो लोगों को एक टाइम भी नहीं मिलता, हमारे नेता 3 टाइम पेंशन लेते हैं। सो बट लेकिन सर जब वो इकोनॉमिक कंसर्न में वो अपने लाइफ डे टू लाइफ में इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन वही आदमी जब पॉलिटिक्स में जाता है, पॉलिटिकल स्फीयर में आता है, उसका बिहेवियर दूसरा हो जाता है। जैसे गुजरात के लोगों को पानी की ज़रूरत थी तो अहमदाबाद की नदी में पानी में उतरने वाला जहाज उतार दिया, लोग खुश हो गए। तो कई बार लगता है कि जो प्यासा होता है हर वक्त उसकी ज़रूरत पानी नहीं है, कुछ और है।
वो कुछ और क्या है जो अंग्रेज़ जो आपने जिन कॉन्ट्रडिक्शंस को हाईलाइट किया है वो कभी भी पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन में नहीं आ सकता, नहीं आता है आमतौर पर मुझे लगता है। अच्छा, इसका जवाब देंगे, लेकिन मुझे कहा गया कि 2-3 मिनट तक आप बोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा होता है कि ऐसी बातचीत में सारे सवाल रह जाते हैं और कुछ अफसोस के साथ लौटना पड़ता है कि ये वाला नहीं पूछा। मैंने भी बहुत तैयारी करके लाया, 10-12 सवाल नहीं पूछ पाया, तो कोई बात नहीं। लेकिन मुख्य बात यही है कि अगर हम इन आर्थिक असमानताओं को जो हमारे आसपास है उसे नहीं देखेंगे, उसे अपनी बातचीत में नहीं लाएंगे, उसे अपनी चिंताओं में नहीं लाएंगे, तो हम अपने सपने का, किसी भी प्रकार का जो हम सपना देखते हैं भारत के बारे में, वो अच्छा भारत हम नहीं बना पाएंगे। स्लोगन रचते रहेंगे, जैसे अभी स्लोगन की कोई कमी नहीं है इंडिया में, आप कोई भी पत्थर उठाइए वहाँ एक स्लोगन मिलेगा। लेकिन और उसमें जो बात नहीं हुई वो ये कि मीडिया की जो अपनी बायसेस हैं, मौका मिलता तो मैं पूछता ये बायस है या स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका एक चारित्रिक किरदार है इस मीडिया का, जो जानबूझ के ऐसे सवालों को और इन सवालों को लेकर जो लोग आते हैं उनको बेदखल कर देता है। जैसे दिल्ली में 70,000 लोग पेंशन के सवाल पर आए, संख्या के हिसाब से बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन चुनाव खत्म हो गए तो इस संख्या की कोई अहमियत नहीं रह जाती। तो जो प्रोफेसर सेन कह रहे हैं, अगर हम सब मिल के थोड़ी थोड़ी इन चिंताओं को आगे बढ़ा दें तो बड़ा मसला बन जाएगा, और जो लोग फोकट में राजनीति कर रहे हैं उन्हें थोड़ा काम करने के लिए मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।